भरा हुआ है ऐसा एहसास दिलाता है, क्योंकि ओट्स में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत रखता है और साथ में मेटाबॉलिज्म को। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि सुबह की मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद हम क्या क्या खा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जो कि सुबह की सैर यानी कि मॉर्निंग वॉक टहलने के लिए समय निकाल के और सुबह सुबह टहलते हैं। सुबह सुबह की सैर जो है हमारे पूरे मन मस्तिष्क को ताजा रखती है। टहलना अपने आप में पूरा व्यायाम है, लेकिन इसका फायदा तभी अधिक हम ले पाएंगे जबकि टहल के आने के बाद जो हमारे खाने की आदतें हैं उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। तो चलिए टहल कर आने के बाद क्या क्या खाएंगे हम, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला वो जो चीज है वो है प्रोडक्ट, वो दही है। दही में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, इससे हमारी मांसपेशियां यानी कि मसल्स काफी मजबूत होंगी और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। साथ में दही हमारे वजन को कम करने में भी सहायता करता है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मजबूत होगी, इसलिए दही को सुबह नाश्ते में हमको जरूर शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है वो प्रोडक्ट, वो है फ्रूट सलाद। फलों में जैसा कि हम जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स गुण बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में होते हैं, साथ ही विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है बहुत मजबूत होती है। फलों में फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में, दिल की बीमारी में भी काफी लाभदायक होता है, इसलिए हमें इसको नाश्ते में जरूर शामिल करना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, उबली हुई सब्जियां। हरी सब्जियों में लगभग सभी प्रकार की न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलती है, इससे शरीर में फैट भी नहीं बढ़ता है, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन बना रहता है, इसलिए सुबह की जो मॉर्निंग वॉक के बाद हरी सब्जियों को उबाल कर खाने से दिन भर ताजगी बनी रहती है और ये सुबह खाली पेट खाने से शरीर में जल्दी पहुंच भी जाता है। चौथी चीज क्या है, भीगे हुए बादाम। बादाम में प्रोटीन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, ये कई प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए 4 से 5 बादाम रात में पानी में भिगोने के लिए रख दीजिए और सुबह टहल कर आने के बाद इसी छिलके सहित खाना चाहिए, शरीर में स्फूर्ति के साथ त्वचा में भी ये निखार लाएगा। पांचवीं चीज क्या है, पांचवीं चीज है वो केला। कई लोगों को ऐसा लगता है कि केला खाने से वजन बढ़ सकता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाश्ते में 2 केला काफी है, इससे वजन भी नहीं बढ़ेगा और शरीर में ताकत भी बनी रहेगी। छठवीं चीज क्या है वो, अंकुरित आहार। अंकुरित अनाजों में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, इससे शरीर की सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, ये नाश्ते में सबसे आवश्यक है और शरीर इन्हें जल्दी अवशोषित भी कर लेता है, पचाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं होती है, इसलिए टहल कर आने के बाद अपने नाश्ते में इसको आप जरूर शामिल करिए। सातवीं चीज क्या है, ओट्स। ओट्स खाने में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये लंबे समय तक पेट भरा हुआ है ऐसा एहसास दिलाता है, क्योंकि ओट्स में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत रखता है और साथ में मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ा देता है, जिससे वजन भी काफी कम होता है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उन्हें नाश्ते में ओट्स को जरूर लेना चाहिए। आठवीं चीज क्या है, ग्रीन टी। सुबह टहल कर आने के बाद नाश्ते में 1 कप ग्रीन टी को जरूर शामिल कीजिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म तो मजबूत रहेगा ही, शरीर का सारा टॉक्सिन्स भी बाहर होगा और शरीर को नई प्रकार की ऊर्जा मिलेगी और कई प्रकार के रोगों से भी ये आपको बचाएगी। तो ये थी जानकारी मॉर्निंग वॉक के बाद क्या क्या खाना चाहिए। अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो ये जाने की जो मॉर्निंग वॉक से आपको लगता है कि मुझे कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पोस्ट जो है एक्सरसाइज हमारे खाने पीने की चीजों पे बॉडी हमारी उस पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के बीच में अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ ले सके। चैनल में यदि नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।